अभियानी एक्सप्रेस कई सालों से पटरी पर दौड़ रही है और मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचा रही है। विश्वास यादव और श्रद्धा यादव मुंबई से शादी करके अपने मामा मामी के साथ कामयानी एक्सप्रेस से बनारस जा रहे हैं। ट्रेन के स्टेशन से निकलते ही खाने पीने का सामान बेचने वाले चक्कर लगाने लगते हैं। विश्वास बेटा, चाय पियोगे? नहीं मामा जी, आप पीजिए। बहू, तुम कुछ खाओगी? मामी जी, अभी नहीं। बिटिया, खाने पीने में शर्म नहीं करना। अभी ट्रेन मुंबई में है और हमें बनारस जाना है, भोले बाबा की नगरी में। हाँ बहू, यात्रा बहुत लंबी है, खाते पीते चलना। मामा जी, बनारस तो अपना घर है, वहाँ पहुँचकर आराम से खाएंगे। मैं बनारस पहली बार जा रही हूँ, सुना है भोले बाबा की नगरी में बड़ी रौनक रहती है। तुम खुद चलकर देख लेना और भोले बाबा के दर्शन भी कर लेना। ट्रेन अपनी स्पीड से दौड़ रही है, अभी तक वो बिना रुके कई बड़े स्टेशनों को पार कर चुकी है। ट्रेन के अंदर रेलवे पुलिस और टीसी परेशान होकर इधर उधर भाग रहे हैं। तभी अचानक ट्रेन में एक आकाशवाणी की तरह चुड़ैल की आवाज सुनाई देती है। मैं चुड़ैल बोल रही हूँ, मैंने कामायनी एक्सप्रेस का अपहरण किया है। ये ट्रेन अब उस समय तक नहीं रुकेगी जब तक विश्वास यादव मेरे पास नहीं आ जाएगा। मैं जानती हूँ, इसी ट्रेन से विश्वास यादव शादी करके अपनी पत्नी के साथ बनारस जा रहा है। यात्रीगण, विश्वास यादव को मेरे हवाले करके अपनी यात्रा सुरक्षित करें। चुड़ैल का ऐलान सुनकर ट्रेन के लोग हक्का बक्का रह जाते हैं। मामा मामी और श्रद्धा विश्वास को आश्चर्य से देखते हैं और उससे इस विषय में पूछते हैं। विश्वास, ये क्या है? बेटा, चुड़ैल तुम्हें क्यों बुला रही है? हाँ विश्वास, ये क्या माजरा है? मुझे क्या पता, इस घटना से मैं भी उतना ही अनजान हूँ जितना आप लोग। वैसे भी चुड़ैल की बातों पर कौन विश्वास करता है? चुड़ैल की बात झूठ हो सकती है, लेकिन ट्रेन का अपहरण हुआ है, ये बात तो सच है ना? चुड़ैल द्वारा कामयानी एक्सप्रेस के अपहरण की खबर चारों तरफ फैल जाती है। पुलिस और रेलवे अधिकारी कामयानी एक्सप्रेस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं होते। कामयानी एक्सप्रेस तो तूफान मेल की तरह भाग रही है, किसी भी स्टेशन पर नहीं रुक रही। कैसे रुकेगी ऑफिसर? ट्रेन को कोई ड्राइवर नहीं, चुड़ैल चला रही है। इस बात पर कौन विश्वास करेगा कि ट्रेन एक चुड़ैल चला रही है? कामयानी एक्सप्रेस का अगला स्टेशन भोपाल है, हमने वहाँ इस घटना की जानकारी पहुँचा दी है। मुझे नहीं लगता कि ये ट्रेन भोपाल में भी रुकेगी। ट्रेन अपनी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ती हुई भोपाल स्टेशन से निकल जाती है। चुड़ैल ड्राइवर के केबिन में बैठी ट्रेन चला रही है और डरावने अंदाज में हंसती है। चुड़ैल ट्रेन चलाते हुए अपने आप से बात करती है। विश्वास, तुम कब तक नहीं आओगे मेरे पास? जब तक नहीं आओगे ट्रेन चलती रहेगी, तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। चुड़ैल की चेतावनी ट्रेन में बैठे यात्रियों को फिर सुनाई देती है। चुड़ैल बार बार एक ही बात दोहराती है कि विश्वास यादव को मेरे हवाले कर दो। श्रद्धा इस बार चेतावनी सुनकर सीधा ड्राइवर के केबिन में जाती है जहां चुड़ैल ट्रेन चला रही है। वो श्रद्धा को देखकर हंसती है। श्रद्धा, तुम क्यों आई हो? मैंने तो तुम्हारे बुजदिल पति को बुलाया था। क्यों बुलाया था मेरे पति को, यही जानने आई हूँ। अपने पति की करतूत जानकर तुम्हें बहुत दुख होगा। मैं सुनना चाहती हूँ, बताओ क्या बात है? हिम्मत है तो अपने पति विश्वास के विश्वासघात की कहानी सुनो। मेरा नाम सुष्मिता है, मैं और विश्वास एक साथ रेलवे की ट्रेनिंग ले रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। विश्वास ने प्यार में शादी का वादा किया, मैं विश्वास की बातों पर विश्वास करती रही और एक दिन धोखा खा गई। विश्वास अपनी ट्रेनिंग अधूरी छोड़कर मुझसे संबंध तोड़कर भाग गया। हमारा प्यार बदनाम हो गया, मेरे भाइयों ने मान सम्मान के नाम पर मेरी हत्या कर दी। तब से मेरी आत्मा भटकने लगी और मैं चुड़ैल बन गई।
तब से मैं विश्वास को ढूंढने लगी। आज पता चला कि वो तुमसे शादी करके अपने घर बनारस वापस जा रहा है। प्रतिशोध लेने के लिए मैंने इस ट्रेन का अपहरण कर लिया। सुष्मिता, विश्वास की बेवफाई ने तुम्हें चुड़ैल बना दिया, इसका मुझे दुख है, लेकिन अब वो मेरा पति है, मेरा सुहाग है, उसकी रक्षा मेरा धर्म है और विश्वास को मारना मेरा धर्म है। श्रद्धा चुड़ैल से विश्वास के बारे में जानकर क्रोध से वापस आती है और विश्वास पर अपना गुस्सा उतारती है। विश्वास अपनी सफाई में बहुत कुछ कहता है। मामा मामी भी श्रद्धा को समझाती है। कामयानी एक्सप्रेस को रोकने के सभी प्रयास विफल हो चुके हैं। ट्रेन अभी तक कई सिग्नल तोड़कर एक्सीडेंट भी कर चुकी है। पुलिस इंस्पेक्टर मजबूर होकर एक तांत्रिक को अपनी मदद के लिए बुलाते हैं। तांत्रिक बाबा, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। ये काम मेरे बस का नहीं है, क्योंकि मैं चलती हुई ट्रेन में से उस चुड़ैल तक नहीं पहुंच सकता। कोई तो उपाय होगा तांत्रिक बाबा, एक ही उपाय है। क्या, जल्दी बताइए। हम इंसानों की तरह चुड़ैल के भी धर्म गुरु होते हैं, जिनकी बात भूत और चुड़ैल कभी नहीं टालते। अब मुझे उनकी मदद लेनी होगी। वो अपनी शक्ति से चलती ट्रेन में उस चुड़ैल तक पहुंच सकते हैं। तांत्रिक बाबा भूतों के गुरु से मिलकर उन्हें सारी बात बताते हैं। भूतों के गुरु मदद का आश्वासन देते हैं और अपनी शक्ति से उड़ते हुए कामयानी एक्सप्रेस में चुड़ैल के पास पहुंचते हैं। चुड़ैल अपने गुरु को देखकर हैरान हो जाती है। गुरुजी, आप यहाँ? ये क्या पागलपन है सुष्मिता? गुरुजी, आप तो सब जानते हैं, ये मेरा प्रतिशोध है। तुम्हारा प्रतिशोध से हजारों लोगों की जान खतरे में आ गई है। पुरानी बातें भूलकर विश्वास को क्षमा कर दो। नहीं गुरुदेव, ये मेरा आदेश है। चुड़ैल गुरु का आदेश मानकर प्रतिशोध की आग को ठंडा करती है। ट्रेन अब नॉर्मल चलने लगती है। तब तक कामयानी एक्सप्रेस महाकाल की नगरी बनारस पहुंच जाती है। बनारस पहुंचकर चुड़ैल अपने गुरु के साथ विश्वास से मिलती है। विश्वास उससे माफी मांगता है। चुड़ैल उसे क्षमा करके महाकाल की शरण में चली जाती है। विश्वास अपनी पत्नी और मामा मामी के साथ भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके अपनी यात्रा और जीवन को सफल बनाता है।